केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित ही रोजगार मेलार हजार हजार युवक युवती सृष्टि करजुक्तिर सुजोग रोजगार सुजोग तेज यही कौशल महोत्सव वर्तमान आम एठी उपस्थित छु एवं एठारे गोटे भिन्न धरण ड्रोन आम एठी देखा पाइलु जहा कि कृषि क्षेत्र में एक नुआ जुगर आरंभ करी स्थान कृषि क्षेत्र में व्यवहार एनएचडीसी द्वारा डेवलप करा ए ड्रोन केमिति कार्य करथाय एवं कृषि क्षेत्र यहाँ फायदा केमिति मिल पार आम आलोचना करवा आम सहित एनएचडीसी परामर्शदाता अच्छा आज्ञा आपको आपको स्वागत करना चाहूँगा हमारे चैनल में। तो ये जो ड्रोन हम देख रहे हैं अभी ये इसका प्रमुख काम क्या है? हम ज़्यादातर ड्रोन देखते हैं मतलब वार में यूज होता है, नहीं तो कैमरा या शूटिंग के लिए यूज होता है। तो ये ड्रोन मतलब किसान इसको कैसे यूज कर सकते हैं और ये कौन से काम में आता है? तो नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शंकर गोयंका है। सर, ड्रोन एक फ्लाइंग मशीन है, इसके अंदर अलग अलग वजन की कैपेसिटी है। ये जो ड्रोन है जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, उनका सपना कि किसान की आय डबल हो। तो किसान की आय जो डबल होगी वो दाम के माल बढ़ाने से डबल नहीं होगी, किसान का खर्चा कम कैसे हो, टेक्नोलॉजी कैसे हो, उसको ध्यान में रख के बनाया गया। तो ये ड्रोन में क्या सर, 12 लीटर की कैपेसिटी है, 10 लीटर पानी भरा जाता है और एक एकड़ का जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, चाहे आधा लीटर है, चाहे पौन लीटर, चाहे एक लीटर है, वो इसमें भरा जाता है। कोई भी जो नैनो यूरिया है, सागरिका है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स है, कोई भी दवाई जो किसान खेत में छिड़कता है वो इसके अंदर सिर्फ 25% कम लगता है। आप ये भर के उड़ता है और एक एकड़ 5 मिनट से 7 मिनट में स्प्रे करके आता है। भारत में कोई भी दवाई छिड़कने के लिए एक एकड़ के अंदर 125 से 200 लीटर पानी लगता है। यदि आप ड्रोन से छिड़काव करते हो खाली 10 लीटर पानी में आपका एक लीटर छिड़क जाता है, मतलब एक पानी 90% बचा और 25% पेस्टिसाइड बचा, तीसरा समय बचेगा। कोई भी किसान जब खेत में दवाई छिड़कता है तो वो खाली एक दिन में 2 से 3 एकड़ करता है, ड्रोन एक दिन में रोज 30 एकड़ छिड़क सकता है। तो आपका समय बचा, आपका पानी बचा, आपकी दवाई बची और आपकी कॉस्ट बची। तीसरी बात, चौथी बात क्या है कि ये एक्यूरेट है। ड्रोन उड़ता है और अपने आप जो खेत आपने माप करा उसका मेजरमेंट करता है और जहाँ से उड़ा वो वहाँ इक्वल तरीके से स्प्रे करके आता है। आदमी जब छिड़कता है उसका मन अच्छा हुआ करेगा, नहीं तो एक जगह डाल के खेती को खराब कर देगा। तो एक वो फ़ायदा हुआ। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं सर, जिसमें सोशल एंगल है। भारत के अंदर एक साल में 58,000 किसान सांप के काटने से मरता है, 58,000 पीपल खेत में जो सांप काटते हैं उससे। भारत के अंदर 3.5 से 4 लाख लोग दवाई के सूंघने से बीमार होते हैं, दांत, दमा, खुजली, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लीवर, किडनी फेलियर जैसी बीमारियाँ जब वो पेस्टिसाइड्स को सूंघते हैं। और चौथी बात है सर, हमारा जो युवा है जो गांव छोड़कर शहर जा रहा है 15 से 25 हज़ार रुपये नौकरी कमाने के लिए, उसके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है। वो खाली 10% पैसे देता है, 90% पैसा भारत सरकार इसको जो है वो 6% ब्याज पे देती है और वो किसान 600 रुपये छिड़काव करके साल के 12 लाख से 15 लाख रुपये कमा सकता है। मतलब इसको जो डेवलप करेगा, इसको असेंबल करेगा या बनाएगा, उसके लिए भी देंगे हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, जो हाँ जो वहाँ पे जो काम करेंगे, हाँ, उनको भी रोजगार मिलेगा। जो हाँ, इसको भारत में क्या है सर, 6,38,000 गांव है, हर गांव में एक ड्रोन चाहिए और एक ड्रोन पे 3 आदमी चाहिए, एक पायलट, 2 को-पायलट। यानी भारत के अंदर क्षेत्रीय 18 से 20 लाख नौकरियां, 6 लाख करीब एंटरप्रेन्योर इससे क्रिएट हो सकते हैं और जो इसकी फैक्ट्री है उसमें बहुत लोग लगते हैं काम करने के लिए, उनको रोजगार मिलेगा। तो किसान का पैसा बचा, उसकी दवाई बची, उसका समय बचा, एक्यूरेट हुआ। और दूसरा क्या, दवाई जब आप ऊपर से छिड़कते हो तो उसका प्रोडक्ट भी बेटर होता है, पत्ता साफ होता है, उसका फोटोसिंथेसिस बेटर होगा, वो दवाई को बेटर एब्जॉर्ब करेगा, तो क्या होगा उसका जो प्रोडक्शन है वो 8% बढ़ेगा। तो जो अभी इफ्को फर्टिलाइज़र जो है दुनिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी जो लिक्विड नैनो यूरिया बना रही है, वो यदि ड्रोन के द्वारा छिड़का जा रहा है अलग अलग जगह में अलग अलग लोगों द्वारा, तो इससे सबको फ़ायदा होगा। तो मेरे को लगता है देश की संपत्ति बचेगी, किसान की आय बेटर होगी और हम जो दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं वो भी इससे कम खाने को मिले। अगर कोई आदमी छिड़कता है तो उसमें कोई मतलब लिमिटेड नहीं होता, लिमिटेशन नहीं होता, वो अब छिड़कता जाता है। इसमें एक लिमिट है कि इतना ही छिड़कना है, जिस खेत में जितना जरूरी, जिस मतलब जो होता है क्रॉप होता है उसके लिए जितना जरूरी उसके हिसाब से छिड़कता। बिल्कुल, मतलब जैसे गेहूँ है उसमें अलग है, धान है उसमें अलग है, सरसों उसमें अलग है, अनार का वो उसमें अलग है, एप्पल का अलग है। तो ये नीड बेस्ड है,
तो इससे सबसे बड़ी बात है सर, पानी बचा, दवाई बचा, समय बचा, और कोई भी क्रॉप जब 4 फुट से ऊंची होती है तो सांप के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ये उससे बचाव करेगा, तो उससे सोशल एंगल है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी क्रांति हो जिसके अंदर हमारा जो किसान है वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा समृद्ध होगा। किसान के लिए ये काम में आएगा तो एक क्रांति आ सकती है, बिल्कुल 100% आएगा ही आएगा। ये तो आपने बता दिया, मतलब आप थोड़ा हमें दिखाइए कि ये ड्रोन में किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज है अभी। इसके अंदर ये टैंक है, 12 लीटर पानी आता है इसमें, इसके अंदर सारे रिमोट वगैरह लगे हैं जी। इसका कैमरा है, जब ये आगे चलेगा तो कैमरा देखता हुआ जाएगा। इसके अंदर रात को भी छिड़काव हो सकता है क्योंकि नाइट विजन है, पकड़ेगा उसके अंदर सारी पिक्चर आ जाती है। इसके अंदर 3 तरह के रडार लगे हुए हैं, पानी खत्म हुआ या बैटरी खत्म हुई ये ड्रोन को जहाँ से उड़ा वहाँ वापस ले आएगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। इसके अंदर बैटरी खत्म होने से पहले ही बैटरी का एक लिमिट है, जैसे लिमिट होगा ये अलार्म रेज करेगा और वापस लेके आ जाएगा, तो फ्लो मीटर लगा हुआ है। दूसरा इसके अंदर रडार लगा हुआ है, टेरेन रडार मतलब है कि आपने यहाँ से छिड़काव करना है, यदि आपकी आपकी जो हाइट है क्रॉप की 3 फुट या 4 फुट है, उस क्रॉप से 3 फुट से ऊपर करता है, तो जैसी क्रॉप कम होगा या ज़्यादा होगा ये ऊपर या नीचे चला जाएगा। और चौथा है ऑब्स्टेकल रडार, और वो सब ऑटो काम होता है, आदमी का कोई इंटरवेंशन नहीं, आपने प्रोग्राम कर दिया वो ऑटोमेटिक उड़ता है। तीसरी बात क्या है कि इसके अंदर ऑब्स्टेकल रडार है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, कोई पेड़ आ गया, कोई जंगल आ गया, कुछ बिल्डिंग आ गई, कोई बिजली का पोल आ गया, ये 5 मीटर पहले रुक जाएगा, अपनी दिशा को बदल के फिर आगे लेके जाएगा। तो ये इस तरह का सारा है, ये इसका GPS है जो कि कंट्रोल है, ये इसके पंखे हैं जो इसको हवा से उड़ाता है, ये मोटर है इसके अंदर जो लगी हुई है, और ये बाकी इसके अंदर नोजल लगी हुई है जिससे ये पानी का छिड़काव करता है। पानी भर के ये कितने देर तक उड़ सकता है? ये पानी भर के एक, जब आपकी बैटरी फुल चार्ज होती है तो ये एक बार में 3 एकड़ स्प्रे करता है, 3 एकड़ के बाद में आपको दोबारा से बैटरी बदलनी पड़ेगी और हर 1 एकड़ के बाद में इसका पानी और दवाई इसमें भरना पड़ेगा इस तरीके से। ये जो उसका टैंक है इसमें 3 एकड़ के लिए? नहीं, इसमें 1 एकड़ के लिए है, क्योंकि 1 एकड़ में 10 लीटर पानी और दवाई लगती है, तो 10 लीटर 1 लीटर छिड़क के आएगा, 1 एकड़ छिड़क के आएगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर पानी भरिए, फिर जाएगा, फिर छिड़क के आएगा, इस तरीके से। क्योंकि यदि समझो इसका मैं टैंक 15 लीटर कर दूं या 30 लीटर कर दूं तो क्या होगा, इसकी मोटर बड़ी करनी पड़ेगी, इसकी बैटरी बढ़ानी पड़ेगी, यदि इसका पंखा ज़्यादा तेज घूमेगा तो ये क्रॉप को डैमेज करेगा, तो इसके लिए 10 लीटर 1 एकड़ के लिए सफिशियंट है। इसको और भी मतलब ज़्यादा डेवलप करने के लिए कुछ आगे प्लान है? नहीं बिल्कुल है ना सर, इससे आप सीड छिड़क सकते हो खेतों में, आप इससे कुछ भी, ये तो फ्लाइंग मशीन है सर, आपको यहाँ से वहाँ दवाई भेजनी है, आपको यहाँ से कुरियर भेजना है, आपको यहाँ से खाना भेजना है, आपको 1-8 किलो का बच्चा भेजना है, आप इसमें रख दीजिए वहाँ चला जाएगा। भाई ये तो वजन है ना, ये तो 12 किलो वजन उठाता है, 12 किलो तक कुछ भी रख दीजिए यहाँ से उठा के वहाँ ले जाएगा। काम में भी इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी काम में ले सकते हैं। देखिए ड्रोन के मेन काम क्या है, 12 किलो वजन उठाना, बाकी आप नीचे जो इक्विपमेंट देंगे वो इसके अंदर हो जाएगा। डिफेंस में काम आता है, बाढ़ एरिया में बहुत काम आएगा, यदि कुछ बाढ़ में जंगल हो गया तो इस सब तरीके से काम आएगा। रिलीफ के टाइम पे कोई अटक गया, कोई भोजन है, कुछ ये देना है, तो ड्रोन दे के आएगा। हमें आलोचना करथले जे जो ड्रोन जहाँ कि कृषि क्षेत्र में व्यवहार हो पार एवं विशेष भाव में कीटनाशक चाष जमीन स्प्रे करने व्यवहार करमी तार उपादयता कौन रहीद्वारा केजुक्ति सृष्टि हो पार से विषय आम सहित आलोचना करते अधिकारी थे तेरे यह जदि प्रत्येक गाँव में प्रत्येक कृषक यहाँ व्यवहार करती तेरे निश्चित भाव में रोजगार बढ़िया सहित जो चाष कम जो खर्च होता है ता कमार लगे तेणु निश्चित भाव में यही ड्रोन जदि आग को आहरी व्यवहार हुए कृषि क्षेत्र में गोटे नुआ जुगर आरंभ हम आम कहीपर। ढेंकानाल कैमेरा पर्सन दीपक प्रदीप्त महापात्र अर्गस न्यूज।